हे हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज का हमारा लेक्चर है मेडिसिन पे। मेडिसिन में सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन को कैसे कैसे आपको पढ़ना है। उसके बाद मैंने फर्स्ट चैप्टर में क्लबिंग और साइनोसिस, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे जिन पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। जीआईडी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया था, ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ सिस्टमिक डिजीजेस, उस पे भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। आज का टॉपिक है स्टोमेटाइटिस एंड ओरल अल्सर। स्टोमेटाइटिस बेसिकली क्या होता है? ओरल म्यूकोजा का इन्फ्लेमेशन होता है। सो स्टोमेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ओरल म्यूकोजा। उसके अलावा ये ओरल म्यूकोजा का डिसरप्शन कर देता है, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी बना देता है, जिसके वजह से ओरल अल्सर्स होते हैं, जिनमें से रिकरेंट अपेथिस अल्सर और हर्पिस सिंप्लेक्स अल्सर, ये दोनों कॉमनेस्ट ओरल अल्सर्स हैं। आज के इस वीडियो में हम तीन मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। पहला है एंगुलर स्टोमेटाइटिस, सेकंड है विंसेंट्स एंजाइना, जिसे हम नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव डिजीज भी कहते हैं, और थर्ड है अपेथस अल्सर। ये तीनों 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन के एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंगुलर स्टोमेटाइटिस बेसिकली लिप्स के कॉर्नर पे होता है, कॉर्नर्स पे क्रैकिंग होती है बेसिकली। सो चिलोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ क्रैक्स और फिजर्स एट द कॉर्नर ऑफ माउथ। एंगुलर स्टोमेटाइटिस के कोज क्या क्या होते हैं ये भी आपको अच्छे से लिख के आने हैं, जिसमें सबसे पहला है इल फिटिंग डेंचर्स। डेंचर्स जो ढीले होते हैं, परफेक्टली फिट नहीं होते हैं उनमें। सेकेंड है आयरन डिफिशियंसी, उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से भी ये हो जाता है, और फोर्थ है कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस भी आप बोल सकते हैं। दीज आर द कोजेज ऑफ एंगुलर स्टोमेटाइटिस। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, या फिर जिसे हम कहते हैं अपेथस अल्सर। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसकी इटियोलॉजी यानी कि कोज जो है वो अभी तक अननोन है। उसके अलावा ह्यूमन हर्पिस वायरस 6 ये इस कंडीशन से एसोसिएटेड होता है। इसके अलावा जो अपेथस अल्सर्स होते हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, पर ये होते रिकरेंट है, यानी कि कुछ टाइम बाद दोबारा हो जाते हैं, और ये सुपरफिशियली प्रेजेंट होते हैं, पेनफुल होते हैं, विद सेंट्रल येलो ग्रे स्लफ सराउंडेड बाय एरिथमेटस बॉर्डर्स। बीच में ये येलो ग्रे कलर का होता है, स्लफ से भरा हुआ होता है, और इसके साइड में एरिथमेटस बॉर्डर होते हैं, यानी कि रेड कलर के बॉर्डर्स होते हैं, और ये जनरली नॉन केराटिनाइज्ड ओरल म्यूकोजा पे मिलता है, जैसे कि बकल म्यूकोजा हो गई और लेबियल म्यूकोजा, फ्लोर ऑफ द माउथ, सॉफ्ट पैलेट, लेटरल एंड वेंट्रल टंग। सो अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस की इटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर और साइट आपको लिख के आनी है। उसके अलावा कोजेज ऑफ ओरल अल्सर्स, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम पढ़ रहे हैं अपेथस अल्सर, उसके कोजेज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन, वायरल, फंगल और बैक्टीरियल। वायरल में अभी हमने एटियोलॉजी में पढ़ा था ह्यूमन हर्पिस वायरस, फंगल में कैंडिडा, बैक्टीरिया, विंसेंट्स इन्फेक्शन या फिर सिफिलिस भी हो सकता है। उसके अलावा डर्मेटोलॉजिकल कोजेज क्या क्या हो सकते हैं, पैम्फिगस, पैम्फिकोइड, लाइकन प्लेनस, ये सब बेसिकली ब्रस्ट होने के बाद अल्सर्स बनाते हैं। उसके बाद ड्रग्स कौन कौन सी हो सकती हैं, कीमोथेरेपी में यूज होने वाली ड्रग्स प्लस इरिदमा मल्टीफॉर्मिस SJS यानी कि स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम में यूज होने वाली ड्रग्स। उसके अलावा सिस्टमिक डिजीज में बेकेट्स सिंड्रोम और SLE यानी कि सिस्टमिक ल्यूपस इरिदमेटस। देन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से होने वाले अपेथस अल्सर के कोज, विटामिन बी और सी की डिफिशियंसी से प्लस आयरन की डिफिशियंसी से। देन न्यूप्लाजिया, ल्यूकेमिया, SCC यानी कि स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, कैपोसिस, सार्कोमा, इनकी वजह से भी अपेथस अल्सर होते हैं। देन GIT से रिलेटेड क्रोन्स डिजीज एंड कोलिक डिजीज। ट्रोमेटिक में है डेंचर की ट्रोमा से होने वाले अल्सर्स। देन केमिकल और थर्मल बर्न्स में कोरोसिव एंड हॉट लिक्विड से होने वाले अल्सर्स। ये सभी कॉजेज आपको लिख के आने हैं। उसके अलावा करेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पे लिखी हुई है, द पेनफुल स्टेज 7 से 10 दिन तक ये फॉलो होती है, उसके बाद कंप्लीट हीलिंग हो जाती है, यानी कि एक हफ्ते तक ये पेनफुल स्टेज में होते हैं अल्सर्स, उसके बाद ये एक हफ्ते के बाद कंप्लीटली हील हो जाते हैं। अल्सर्स का साइज बेसिकली 1 to 5 mm के बीच में रहता है, कुछ केसेस में ये बड़े भी हो जाते हैं। अगर इनका साइज लार्ज हो जाए प्लस ये लंबे समय तक रहें तो इनकी बायोप्सी ज़रूर होनी चाहिए। क्यों? ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें इन अल्सर्स में और इरिदमा मल्टीफॉर्मिस, हर्पिस सिंप्लेक्स, पैम्फिगस और पैम्फिगोइड बैकेट्स डिजीज और
इन्फ्लामेटरी बोअर डिजीज़, इन सब से हम अल्सर अपैथस अल्सर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बायोप्सी होती है अगर ये 1 या 1 to 5 mm से बड़ा है, प्लस अगर ये परसिस्टेंस अल्सर है यानी कि बहुत लंबे समय तक रहे तो। उसके बाद LA जेल या फिर माउथ वॉशेस, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ देते हैं, पक्का ट्रीटमेंट नहीं है ये। ये केवल पेन को रिलीफ करने के लिए प्लस अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है उसको ठीक करने के लिए होते हैं। उसके अलावा टॉपिकल स्टीरोइड जो होती है वो हीलिंग को अफेक्ट करती हैं। सीवियर केसेस में ओरल प्रेडनिसोलोन का कोर्स चलता है। उसके अलावा थर्ड इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, दैट इज विंसेंट्स इन्फेक्शन, जिसे हम नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस भी कहते हैं या फिर माउथ। ये पेनफुल होता है, स्लगिंग डीप अल्सर्स होते हैं विच प्राइमरली इन्वॉल्विंग गम्स। इनका सीवियर इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, प्लस उस टिश्यू का नेक्रोसिस भी हो सकता है विद ब्लीडिंग गम्स। देन इट मे एसोसिएटेड विद हेलिटोसिस। अगर उस टिश्यू का नेक्रोसिस होगा तो उसमें से गंदी स्मेल भी आएगी, इसलिए माउथ में से फिर बैड ब्रेथ आएगी। देन फीवर, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, यानी कि सर्वाइकल लिम्फ नोड्स का साइज बढ़ जाएगा, आप पेल्पेट भी कर सकते हो। उसके बाद इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद करना है, फ्यूजीफॉर्म बेसिलाई एंड स्पाइरोकिट्स। इसकी इटियोलॉजी में क्या क्या है, मालन्यूट्रिशन, पुअर ओरल हाइजीन और इम्यूनोसप्रेशन कंडीशन, फॉर एग्जांपल एड्स हो गई। ये डिजीजेस बेसिकली पेशेंट का इम्यून सिस्टम घटा देते हैं, जिससे बीमारियों से लड़ने की जो कैपेसिटी होती है पेशेंट की वो घट जाती है। विंसेंट्स इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट होता है पहले तो डिब्राइडमेंट की जाती है, जो नेक्रोटिक पार्ट होता है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन परोक्साइड का माउथ वॉश दिया जाता है और साथ में एंटीबायोटिक्स दी जाती है, जिसमें एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। सो येस, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करना, प्लस सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिले। थैंक यू एंड बी हैप्पी।